आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, एक तरफ गुजरात चुनाव के बीच बीजेपी को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार नहीं जीत पाएगी चुनाव में, उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जहां बीजेपी मात खा सकती है और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है धरातल पर उतारने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि इन मुद्दों से सीधे सीधे नुकसान हो सकता है बीजेपी को। और कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला है दोस्तों, खासकर गुजरात को लेकर। देखिए, आप इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि अमित शाह जी खुद गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, तो ऐसे में इनका जो ये बयान है ये इसके काफी मायने है, क्योंकि इन्होंने कहा है, अमित शाह जी ने बयान दिया है, वैसे तो पहले भी ये बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से उन्होंने गुजरात अधिवेशन एक कार्यक्रम में ये बयान दिया कि बीजेपी इस बार भी बहुमत से सरकार बनाने वाली है, और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि पहले से ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की, और तीसरी बात ये कि पहले से बेहतरीन प्रदर्शन करेगी बीजेपी। अब देखिए, तमाम तरीके के दावे तो कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके के आरोप इस वक्त बीजेपी पर लग रहे हैं कि विकास नहीं किया बीजेपी ने, धरातल पर कुछ काम नहीं किया, कागजों में काम हुआ है, फिर मोरबी में जो हादसा हुआ, पुल जो गिर गया, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ काफी आक्रोश जाहिर हुआ, और भी काफी मुद्दे हैं जहां बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दावा है कितना कारगर साबित होगा और धरातल पर इसकी कितनी सच्चाई नजर आएगी दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, गुजरात को लेकर कहा जाता है 27 साल से बीजेपी विराजमान है, ऐसे में वहां से बीजेपी को उखाड़ फेंकना थोड़ा असंभव है, लेकिन अमित शाह जो दावा कर रहे हैं उस पर विपक्ष कैसे चोट करेगा ये देखना भी लाजमी होता है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।